साथियों, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे इलाके मेवात को एक सूचना देना चाहता हूं कि साथियों, आज वक्ती हालात के अनुसार जिस तरह हम समाज के लिए एक दर्द लिए घूमते थे, समाज के लिए वर्क करते थे, चाहे सोशल एक्टिविटीज के कोई भी मूवमेंट हमारा रहा हो, समाज का दर्द हमने करीब से देखा। तो साथियों, इस मूवमेंट में हम सोशल तो बहुत बेहतर हो गए और सोशल होकर काम करते रहे, एक लिमिट धाराओं में और लिमिट दायरे में काम करते रहे। साथियों, नौजवानों की सोच, समाज के लोगों की सोच ने हमारे मन के विचारों को चेंज किया और एक अंदर एक विचारधारा पैदा हुई, एक कांग्रेस की विचारधारा। वो मेरे समझ में आई कि मुझे पॉलिटिकल में जाना चाहिए और पॉलिटिकल में भी मेरी समझ में आई तो मुझे कांग्रेस की विचारधारा समझ में आई। तो साथियों, मेरे साथ बैठे हैं मेरे प्रिय दोस्त 10 साल पुराने कुलदीप भाई गुजर, सोना से, सोना विधानसभा से यूथ के प्रेसिडेंट भी है, महासचिव भी है और 2018 से कांग्रेस में काम कर रहे हैं। भाई हमारे अच्छे दोस्त भी है, पारिवारिक संबंध है। साथ में हमारे अहमद वकील साहब, सीनियर अधिवक्ता कांग्रेस के, बढ़िया बहुत जिम्मेदार साथी है। हमारे डॉक्टर अस्पाक साहब खेड़ला से अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, डॉक्टर मुकीम साहब अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, फखरुद्दीन उटावट बिजनेसमैन है, भाई पीछे सरपंच साहब है, सरपंच आलम साहब है, भाई प्रेम भाई है गुड़गांव से, भाई फखरुद्दीन घासड़ा से, भाई हाजी उमर है, सलमुद्दीन है और मेरे गांव की सरदारी। ऐसे सैकड़ों लोगों ने मेरे विचार को चेंज किया और उन्होंने कहा कि आज अब आपको सोशल जो वर्कों के साथ साथ अब पॉलिटिकल में हिस्सेदारी निभानी चाहिए। तो मेरे विचार, मेरे दोस्त भाई कुलदीप के विचार और सीनियर साथियों के विचार ये आए कि हमें मेवात के अनुसार जिस तरह हमारी वोट बैंक है उसमें एक कांग्रेस में विचारधारा दिखती है और कांग्रेस में एक हम मेहनत यदि हम सच्चे मन से करते हैं और एक कांग्रेस के लिए वर्कआउट पूरा कर एक अच्छी विचारधारा को लेकर एक मोहब्बत का पैगाम देते हैं तो हम जरूर कांग्रेस को बहुत ऊंचे लेवल पर लेकर जा सकते हैं और कांग्रेस के लिए काम कर एक अच्छे और सच्चे सिपाही बन सकते हैं। तो साथियों कुलदीप भाई ने मशवरा करा कि 24 तारीख को बहन कुमारी शैलजा जी मैडम मेरी विचारधारा से जुड़े, मेरे पे विश्वास करें, मैं सिस्टम में काम करूंगा, मैं समाज में सुधार लाऊंगा, समाज के लिए बिल्कुल पूरा सहयोग करूंगा। मैं सबसे अपील करता हूं कि मैं तो नेता नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं, भाई हूं, सचमुच वो सच्चा सिपाही हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं। समाज सेवा में लगे हुए हैं जी, तो अचानक राजनीति में आने का विचार कैसे बना सर? जिस तरह मैं समाज के पास लगातार रेगुलर गया, समाज के बीच काम किया, समाज के दर्द को समझा, समाज का दर्द कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद में है जिसे मैं एक लिमिट दायरे में पूरा कर सकता। समाज के लोगों ने कहा क्या ऐसे लोगों को पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, तो लोगों ने मुझे हौसला दिया और मैंने इंशाल्लाह इरादा कर लिया कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और मैं पॉलिटिकल में भी काम करूंगा और पॉलिटिकल में जाकर एक बड़े लेवल पर काम करूंगा इंशाल्लाह। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे लदाद भाई कमांडो हमारे कांग्रेस परिवार में ज्वाइन करने जा रहे हैं। 24 फरवरी को सत्ता परिवर्तन रैली हम भौंडसी में कर रहे हैं, जिसके मुख्य अतिथि बहन कुमारी शैलजा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्र मंत्री जो मैम आ रही है उनके नेतृत्व में हम कमांडो साहब को ज्वाइनिंग कराएंगे और इंशाल्लाह हम भैया से उम्मीद करते हैं कि जैसा समाज में काम कर रहे हैं वैसे बढ़ चढ़ कर पार्टी में भी काम करेंगे। और आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आए और बहन जी के विचार सुने और हम दोनों भाइयों को आशीर्वाद दें। 24 तारीख को मेवात से कितनी उम्मीद है, कितनी भीड़ पहुंचा? मेवात तो हर बार ही हमको आशीर्वाद देती रही है और अब की बार भी उम्मीद है। हमारे कमांडो भाई जैसे पावरफुल आदमी आज हमारी पार्टी में, हमारे परिवार में आ रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे इंशाल्लाह। कमांडो साहब के साथ सैकड़ों लोग हैं, जो सामाजिक आदमी है, जो एक्स सरपंच है, एक्स पार्षद है, वो भी ज्वाइनिंग करेंगे। वो लिस्ट हम उस दिन बता दिया जाएंगे कि कौन कौन व्यक्ति ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो आगामी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो किस तरह कांग्रेस तैयारी कर रही है? लोकसभा की तैयारी पूरी है जी, राहुल गांधी जी हमारे यात्रा कर रहे हैं, पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं और दमखम से आप लोकसभा लड़ेंगे जी चुनाव?
कांग्रेस गुटबाजी को लेकर क्या कह रहा है? नहीं, गुटबाजी तो कुछ नहीं है जी, वैसे ही तो थोड़ा बहुत चलता है, इतना बड़ा परिवार है तो ये तो मीडिया के लोग कुछ लोग दिखा देते हैं कि वैसे गुटबाजी कुछ नहीं है।